Welcome to my channel Mom's Love. Today I'm going to tell you a story. So story of a lion. चलो आज हम हिंदी में एक स्टोरी करेंगे, ठीक है? मुझे लगता है आप लोगों को पसंद आएगा, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए है, ठीक है? ओके, तो आज मैं किसको लेके आई हूँ आप देखोगे, एक मिनट जरा आंखें बंद करो, मैं दिखाती हूँ कौन आया है। ये देखो, हेलो हेलो एवरीवन, सी हेलो हेलो एवरीवन, आई एम द लिम्पो, लिम्पो द लायन, मैं शेर हूँ, मैं आप लोगों से मिलने आया हूँ। ये देखो, सुनना है इसकी स्टोरी? चलिए मैं इसकी स्टोरी सुनाती हूँ। आज लिम्पो आपको अपनी स्टोरी, अपनी कहानी सुनाएगा, तो चलिए सुनते हैं। लिम्पो एक लायन है, शेर है, जो जंगल में रहता है। था शेर तो जंगल का राजा होता है ना, तो लिम्पो भी जंगल का राजा है, ठीक है? तो लिम्पो ने क्या किया, लिम्पो बहुत बहादुर है। वो क्या करता है, वो हमेशा शिकार करके ही खाना खाता है, बिना शिकार किए वो खाना नहीं खा पाता। तो उसने क्या किया, लिम्पो ने, उसके तीन सहयोगी थे, एक था कौवा, एक था तेंदुआ और एक था लोमड़ी, ये तीनों उसके सहायक थे। तो इन तीनों सहायक के साथ वो हमेशा रहता था। तो एक दिन लिम्पो शिकार पे गया, शिकार करते हुए पता है क्या हुआ, शिकार करते हुए वो घायल हो गया और घायल होके वो एक पेड़ की नीचे लेट गया। अब तो वो शिकार नहीं कर सकता है क्योंकि वो घायल है ना। तो अब घायल होके वो क्या करेगा, परेशान है। तो उसने क्या किया, उसके सहयोगी को बुलाया और बोला कि मैं तो घायल हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अब खाने के लिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो उसके सहयोगी तो चिंता में पड़ गए, फिर उन्होंने सोचा हमें तो कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि एक ऊंट जो है वो कहाँ पाया जाता है, ऊंट तो हमेशा रेगिस्तान में पाया जाता है ना, राजस्थान में है, रेगिस्तान में पाया जाता है ना, मगर उन्होंने जंगल में देख लिया। अब जंगल में ऊंट क्या है, जंगल में ऊंट देख के वो लोग तो पहले चौंकित हो गए, वो बुरी तरह से चौंक गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि ये जो ऊंट है इसको हम खा सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी मांस है, बहुत सारी फ्लैश है जो वो लोग खा सकते हैं, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस ऊंट को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लायन ने मना कर दिया, बोला कि नहीं ये अच्छी बात नहीं होती है, वो एक हमारे यहाँ पे अतिथि है, तो अतिथि को मार के खाना कोई अच्छी बात नहीं होती है, तो हम लोग उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, उसके ऊपर हम लोग शिकार नहीं करेंगे। तो ये लोग मान गए, लेकिन शेर तो घायल था, उसके लिए कुछ तो करना था उन लोगों को, क्योंकि जितना जल्दी शेर ठीक होके आएगा उतनी ही जल्दी क्या होगा, उतनी ही जल्दी लिम्पो भी बता रहा है, देखो बता रहा है ना, सुन रहा है और बता भी रहा है ना लिम्पो, है ना, यस ओके। उतनी ही जल्दी फिर उन लोगों को दोबारा खाना मिलेगा, क्योंकि जो लिम्पो है वो फिर से कहाँ जाएगा, जंगल में, यस लिम्पो भी बोल रहा है जंगल में जाएगा और शिकार करके लेके आएगा। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने एक तरकीब सोची, उनकी तरकीब जो था कि वो लोग पहले बकरी को लेके आए, फिर खरगोश लेके आए, फिर एक मुर्गी लेके आए और तीनों को उन्होंने पेश किया लिम्पो के सामने, मतलब जंगल के राजा के सामने, मगर जंगल के राजा ने मना कर दिया क्योंकि वो तो ऐसे खाते नहीं है, कोई अगर उनको सजा के दे उनको नहीं पसंद, उनको क्या पसंद है, उनको शिकार करके खाना ही पसंद है। तो लिम्पो ने ये किया, ठीक है? उसके बाद फिर लिम्पो ने क्या किया, लिम्पो ने उसके बाद उसको मना कर दिया क्योंकि उसको ये बात पसंद ही नहीं आया, ये थोड़ी होता है, जंगल का राजा तो हमेशा शिकार करता है उसके बाद उसको खाना मिलता है। फिर वो क्या करता है, सबको, बाकी सब लोगों को वो अपना खाना, जो बचा हुआ खाना है वो दे देता है या वो छोड़ के चला जाता है उन लोगों के लिए, है ना। तो लिम्पो को भी नहीं पसंद था ये सारी चीजें जो है, वो कैमल जो ऊंट है, वो जो कैमल था वो सुन रहा था, तो उसको बहुत बुरा लगा। उसने सोचा
कि ये जो शेर है इतना अच्छा है, इसको खाने की जरूरत है, तो क्यों ना मैं अपने आप को ही पेश कर दूं। तो क्या पता शेर का पेट भर जाए, और वो ऊंट बहुत अच्छा था एक्चुअली, इसीलिए उसने ये सोचा। तो या फिर अगर शेर ने मुझे नहीं खाया तो हमारी दोस्ती हो जाएगी शेर के साथ, क्योंकि शेर तो किसी को नहीं खा रहे थे। जितना भी एनिमल्स उन लोगों ने पेश किया, जो लोमड़ी है, जो गिद्ध है और जो कौवा है, उन लोगों ने जो भी पेश किया किसी को नहीं खाया। तो क्या होगा, तो लायन के साथ जो उसकी जो कैमल की जो ऊंच है, ऊंच की जो दोस्ती दोस्ती हो जाएगी। ठीक है, तो वो आ गया कैमल सामने, मतलब वो जो ऊंट है वो सामने आ गया। सामने आके उसने कहा कि महाराज, मेरा नाम, मैं बहुत दूर देश से आया हूं, और मेरा नाम ऊंट है, आप मुझे खा सकते हो। जैसे ही उसने ये बोला, बस वो तीनों जो सहायक थे, मतलब लिम्पो के लिए किसी ने वेट ही नहीं किया कि लिम्पो क्या बोलेगा क्या नहीं करेगा, हाँ बोलेगा ना बोलेगा क्या करेगा, क्योंकि लिम्पो का ऐसा नहीं पसंद था, उसको सिर्फ शिकार करके ही खाना पसंद था। उन तीनों ने पता है क्या किया, उन तीनों ने एक बार जंप करके उसमें हंट कर दिया, उसको उसपे शिकार बोल दिया, उसके ऊपर धावा कर दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, उसने वो ऊंट जो था वो मर गया, और लिम्पो बेचारा बस देखता ही रह गया। दिस इज अ वेरी बैड, यू नो, अपने आसपास। इसलिए हम लोगों को हमेशा देखना चाहिए हमारे जो सहायक है, जो हमारे जो दोस्त है, या हमारे जो आसपास जो लोग रहते हैं वो कैसे हैं। वो अगर अच्छे होते हैं तो हम लोग भी अच्छे रहते हैं, अगर वो लोग ही खराब हो गए तो फिर हमारा भी ठीक नहीं रहता ना, फिर हमें भी सब लोग बोलेंगे कि हम लोग भी खराब हैं। तो इसलिए हमें हमेशा अपने सहायकों से बच के रहना चाहिए, अगर अच्छे लोग हैं तो अच्छे लोगों के साथ ही रहना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ये लिम्पो की कहानी जो है बहुत अच्छी लगी होगी। तो मुझे लगता है आप लोग ये वीडियो देखोगे और आप लोग इसको पसंद भी करोगे। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड टैप द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।